हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बताने वाले हैं। देखिए, मैंने इसमें कुछ मोतियां डाल ली हैं और देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 30 चैन बुननी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखिए 30 चैन बुनेंगे और 30 चैन बुनने के बाद अब आपने क्या करना है, देखिए 1, 2, 3 चैन स्किप करके चौथी वाली चैन में आपने इस तरह से थोड़े बड़े से फंदे बनाने हैं। एक, ये हमारी फर्स्ट रो है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपने बड़े फंदे बनाने हैं। तो मैं ये 20 फंदे बनाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने 20 फंदे बना लिए हैं और फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए सेकंड रो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5 पांच चैन बुनेंगे और पांच चैन के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए 6 फंदों में से इसे निकालना है इस तरह से, 2, 2, 4 और 6। फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक मोती लेकर आएंगे, देखिए इस तरह, और फिर सिंगल क्रोशिया से बुन लेंगे तो यहाँ बीच में एक मोती आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, देखिए फिर आपने पांच चैन बुननी है, 1, 2, 3, 4, 5 पांच चैन बुनेंगे और देखिए फिर 6 फंदों में से निकालना है आपने, 2, 2, 4, 2, 6। फिर एक मोती लेकर आएंगे यहाँ और फिर सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बुन देंगे। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पांच के बाद देखिए फिर 6 फंदों में से निकालेंगे, एक फंदा छोड़ देंगे और मोती लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया से इस तरह बुन देंगे। फिर देखिए 1, 2, 3 और इस तरह बुन देंगे। देखिए इस तरह से फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो बुनेंगे, तो देखिए थर्ड रो कैसे बुनेंगे, आपने देखिए ये 2 फंदे, 3 और ये 4। तो देखिए 4 यहाँ हो गए और अब यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, बीच में 6 आ गए। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर देखिए 6 के बाद यहाँ 1, 2, 3 और ये 4। देखिए फ्रेंड्स 6 बीच में आ गए, 6 इधर आ गए, 4 इधर आ गए, 4 इधर आ गए, ये 12 और 4, 4 इधर, 4 इधर, 8, 12, 8, 20, फिर से 20 फंदे हो गए। अब आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया से निकालना है, हर एक में से आपने इस तरह से निकालना है।
इस तरह। अब देखिए, अब आपने फिर से ठीक है यहाँ चार बनाने हैं, दो, क्या करना है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आपने देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और तीन चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ इस तरह से बड़ा फंदा, एक दो तीन और एक ये मिला के चार हो गए। फिर देखिए यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः, फिर यहाँ देखिए एक दो तीन चार पाँच छः और एक किनारों में चार बनेंगे, एक दो तीन और ये चार, इस तरह से देखिए। देखिए फ्रेंड्स, इस रो में भी हमारे 20 फंदे हो बन गए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने पहले पांच चैन बुननी है इस फंदे में, एक दो तीन चार, चार के बाद देखिए ये पांच, पांच चैन बुनने के बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने छः फंदे, दो चार छः, यानी कि छः फंदे लेने हैं आपने। देखिए दो तो चार, दो छः आ गए, फिर एक मोती लेंगे यहाँ और इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुन देंगे। फिर आपने पांच चैन बुननी है, एक दो तीन चार पाँच, पांच चैन बुनने के बाद फिर आपने देखिए छः फंदे में से पास करना है, दो एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः फंदे में हो गए। फिर आपने ये देखिए एक मोती लाना है, यहाँ रखना है और सिंगल क्रोशे से यहाँ बुनना है। फिर देखिए आपने क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से पांच चैन बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच चैन बुनेंगे और फिर देखिए छः में से लेकर आना है, एक साथ छः फंदों को बुनना है। फिर ये मोती यहाँ रखेंगे और इस तरह से, फिर देखिए एक दो और ये इस तरह से बुन लेंगे। बस फ्रेंड्स, आपने सिर्फ टू रो रिपीट करनी है और आपका डिज़ाइन बहुत प्यारा सा तैयार हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।